जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है तो वो आपको कैसे फल देगा। फल देने का मतलब है वो हमेशा कैसे फल देगा, ओवरऑल कैसा प्रभाव डालेगा, और जब उसकी दशा आएगी तब उसके फल और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह कुंडली में शुभ या अशुभ है वह अपने शुभ या अशुभ फल तभी देगा जब उसकी दशा आती है। अगर आपको उसके पूर्ण फल चाहिए तो दशा आने का इंतजार करना पड़ेगा, खास तौर पर महादशा। उससे कम अंतर दशा, उससे कम प्रत्यंतर दशा, उससे भी कम गोचर, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव, जिसको हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव कहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से हम बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं। अगर देखा जाए तो लगन से ये सातवां है, चौथे घर से चौथा है और दसवें घर से दसवां है। इसलिए अगर सुख चाहिए तो सुख का सुख भी, यानी चौथे से चौथा सातवां। कर्म कार्य क्षेत्र चाहिए, नौकरी व्यापार चाहिए तो दशम से दशम सातवां घर। इसलिए सप्तम भाव एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है। अब उस भाव के कुछ कारकत्व हैं, जैसे विवाह, वैवाहिक संबंध, जीवन साथी, उसके साथ होने वाला जो उसका व्यवहार है, विचार है, वो सब चीज़ें, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, साझेदारी, सुख और सम्मान हम सप्तम भाव से देखते हैं। यानी सातवां एक घर है, उसके घर के ये कारकत्व हैं या एक एटमोस्फियर उस घर का, कि उसके घर के अंदर ये सब चीज़ है, उनको ग्रहण करने के लिए बृहस्पति बैठ गए। अब बृहस्पति कहते हैं जी मैं तो पहले से ही बेस्ट बेनिफिक हूँ, मैं तो पहले से ही एक अच्छा प्लेनेट हूँ, मैं तो एक शुभ ग्रह हूँ। एक तो सातवा भाव शुभ, एक ऊपर से सप्तम भाव शुभ हो गया और उसमें बैठा हुआ प्लेनेट शुभ हो गया। इसका मतलब बृहस्पति कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिन लोगों की कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस में जुपिटर है। अब वो किस हद तक अच्छा कर सकता है, ये यहाँ समझने की बात है। क्योंकि अब मन में सवाल उठ गए होंगे कि गुरुजी मेरा तो उच्च का है, मेरा तो नीच का है, मेरा तो वक्री है, मेरा तो अस्त है, या शत्रु की राशि में है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कैसे फल देगा। अभी सामान्य तौर पर क्या देखेंगे कि पांच जगहों का कारक गुरु है, दूसरे घर का कारक है, दूसरा घर धन कुटुंब परिवार, पंचम भाव का कारक है तो शिक्षा विद्या बुद्धि संतान, नवम भाव का कारक है भाग्य धर्म और पिता, दशम भाव का मालिक है कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार, लाभ स्थान का मालिक है तो सोर्स ऑफ इनकम तरक्की प्रमोशन। अब उसका मालिक केंद्र में बैठ गया, यानी ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज देने की कोशिश करेगा। अब पूरा वीडियो समझने से पहले चीजों को समझ लीजिए कि मैं दो बृहस्पति को दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। पहला, शुभ बृहस्पति कैसा होता है, अशुभ बृहस्पति कैसा होता है। अब शुभ बृहस्पति और अशुभ बृहस्पति में क्या अंतर है। शुभ बृहस्पति मित्र की राशि में हो, मित्र के साथ हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अस्त ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, नीच ना हो, तो क्या हो गया, अच्छा हो गया। इसके विपरीत नीच का है, राहु केतु अक्षस पे है, शनि से दृष्ट है, अस्त है, 6-8-12 के स्वामियों के साथ है, तो ऐसा बृहस्पति पीड़ित होता है। अब स्वस्थ बृहस्पति अगर सेवंथ हाउस में बैठे, यानी शुभ बृहस्पति अगर सेवंथ हाउस में बैठे, तो वो आपको बहुत मोटे तौर पे अपने सभी पांचों कारकत्व का तो फल देगा ही। आपको एक अच्छे कुल में पैदा कर देगा, आपको परिवार से धन दिला देगा, अगर आपका बृहस्पति सप्तम भाव में शुभ बैठा, ठीक है। आपको क्या करेगा, संतान का सुख दे देगा, भाग्य का सुख देगा, पिता का सुख देगा, कर्म कार्य क्षेत्र देगा और लाभ देगा, अगर बृहस्पति शुभ है। और अशुभ है तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने में प्रॉब्लम देगा, बहुत बार तो क्या करेगा, 50-50 देगा या देगा ही नहीं रिजल्ट। अब अगर हम सेवंथ हाउस को सबसे पहले ये देखें कि सातवें घर में गुरु बैठा है और सेवंथ हाउस पब्लिक इमेज का भाव है, बृहस्पति क्या है, एक विवेक वाला व्यक्ति है, विवेक और समझदारी, ज्ञान,
सेवंथ हाउस में बैठा व्यक्ति का बहुत हद तक ज्ञान जीवन में लगता है, कैसे मैं अपने जीवन में अपनी पब्लिक इमेज को सामाजिक रूप से स्ट्रांग करूं। कि जिन लोगों के सेवंथ हाउस में बृहस्पति होता है, इसको बहुत बार कहा जाता है ये सम्मान के भूखे हैं, इनके जीवन में मनी इतना मैटर नहीं कर रहा है जितना सम्मान मैटर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कृपा से धन के आयाम तो बनते दिखाई देते हैं जीवन में, लेकिन व्यक्ति की इच्छा क्या रहती है कि पैसा तो मैं कमा ही रहा हूं, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा भले ही आज है कल, लेकिन मेरी प्रेस्टीज बनी रहनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सामाजिक दायरा पद प्राप्ति का होना। ये सेवंथ हाउस में जुपिटर की इच्छाएं हैं, क्योंकि वो सेवंथ हाउस में बैठा है, वो सातवें घर में बैठ के चाहता है। अब ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से जब मिल जाती हैं जब ये बृहस्पति यहाँ बली होता है, और ये सब चीज़ें अगर बृहस्पति यहाँ पीड़ित है तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसको ये योग नहीं मिलता या ये सुख नहीं मिलता, इसको आप ऐसे जान लीजिए। सेवंथ हाउस सातवें घर को ले कहा गया है कि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हम विवाह और वैवाहिक संबंध की बात करते हैं तो शास्त्र कहता है सातवां घर खाली हो तो अच्छा है, खाली नहीं है तो उसके अंदर शुभ ग्रह हो जाए तो ठीक है। अब बृहस्पति क्या है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है, तो सेवंथ हाउस में शुभ ग्रह बैठ गया तो ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंधों को बनाएगा, यानी ये प्रॉमिस देगा भी मैं तुम्हें विवाह का सुख दे दूंगा। यानी बृहस्पति का संबंध अगर सप्तम भाव में बैठ के है तो वो कहता मैं आपको वैवाहिक संबंध दे दूंगा, अगर मैं शुभ अवस्था में हूं तो मैं जल्दी विवाह करा दूंगा, और अगर मैं पीड़ित हूं तो आपको यही विवाह कराने में मैं बहुत देरी भी लगा दूंगा। बहुत बार 32 34 38 वर्ष तक जाके व्यक्ति का विवाह होता है अगर बृहस्पति सेवंथ हाउस में पीड़ित होता है। खास तौर पे स्त्रियों की कुंडली में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली के लिए बृहस्पति को कहा जाता है पति का कारक। शास्त्र कहता है अगर सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, सेवंथ हाउस का जो भी मालिक है वो पीड़ित है और बृहस्पति भी पीड़ित है, विवाह होने में भी परेशानी, विवाह चलने में भी परेशानी, तो बहुत बार जल्दी से हस्बैंड की डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना या बीमारी के कारण जल्दी से जीवन से चले जाना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि सेवंथ हाउस में बृहस्पति शुभ है तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपका विवाह भी होगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, जीवन साथी भी ठीक रहेगा, उसकी आयु भी ठीक रहेगी। और अगर आपके सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्त्री की कुंडली में सेवंथ हाउस में जुपिटर पीड़ित है, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसका सेवंथ हाउस बहुत बली हो, कि जी मेरी प्रॉब्लम्स है उसको आप अपने ऊपर ले लो, या फिर मेरे जीवन में समस्या है और आपके में नहीं है, यानी हमारा जीवन चल जाएगा। ये एग्जैक्टली कुंडली मिलान में देखा जाता है, यानी गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, आप सेवंथ हाउस को देखना जरूरी है। तो सेवंथ हाउस पब्लिक इमेज, सेवंथ हाउस विवाह वैवाहिक संबंध, अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर की पोजिशन अच्छी है तो स्त्री ज्ञानी होती है, स्त्री या पुरुष बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान देखा जाता है, साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित सेक्टर्स में बेहतर होता है, जैसे फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला, अध्ययन अध्यापन धार्मिक संस्था वेद वेदांग राजनीति इनसे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला, किसी प्रकार की फूड आइटम्स का काम करने वाला या उसमें फैक्ट्री में काम करने वाला या उनको बनाने वाला होता है, तो ऐसी स्थितियों में ये सब चीज़ें हमारे जीवन में देखी जाती हैं। कि जब जुपिटर प्लेनेट सेवंथ हाउस में बली है, सेवंथ हाउस में जुपिटर बली है तो पता लगा जीवन साथी टीचर निकला, बैंक में काम कर रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी इस तरीके का काम कर सकता है, वो आपको पूरा सहयोग उसका मिलता है। और इसके विपरीत अगर वो खराब हो जाता है तो क्या होता है, शादी होनी मुश्किल हो जाती है, जीवन साथी लाख कोशिश करता है लेकिन वो बहुत अच्छी आमदनी नहीं कर पाता, कभी कभी तो घर पे ही बैठते हैं, इसको कहते हैं हाउस वाइफ हो गए, ये भी चीजें देखी जाती हैं। और अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा हो तो उसके पति का जो काम है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं होता, फिर उसके जो हस्बैंड का काम है अच्छा नहीं होता, उसे खुद मैदान में उतरना पड़ता है कि भी थोड़ा तुम कमाओ थोड़ा मैं कमाऊं तब जाके हमारा कुछ जीवन चले। सेवंथ हाउस को इसीलिए कहते हैं हम चौथे घर से चौथा, यानी सुख का भाव, और सुख के भाव की बात आती है तो अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर पीड़ित है
तो सुख का सुख भाव पीड़ित है, और पीड़ित है तो कहते हैं आनंद नहीं है जीवन में, रस नहीं है जीवन में, सुख नहीं है जीवन में। सुख साधन तो है लेकिन उन सुख साधनों को हम भोग नहीं पा रहे हैं, ये 7th हाउस जुपिटर है। नियम अभी भी मेरे वही, इसलिए मैंने शुरू में आपको समझा दिया कि आप पीड़ित प्लेनेट और बिना पीड़ित प्लेनेट को पहचानना शुरू कर दीजिए। कि बृहस्पति के जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, इनके साथ और इनकी राशियों में होना बृहस्पति को अच्छा लगता है। शुक्र और शनि और राहु केतु के साथ होना या उनकी राशियों में होना बृहस्पति को अच्छा नहीं लगता, इनके साथ होना अच्छा नहीं लगता, तो आप समझ जाइए। अगर मिक्स हैं, शुभ भी है अशुभ भी है, तो 50-50 काम होता है। उसको आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा जुपिटर कैसा है। अगर ये दशम से दशम है तो दशम से दशम क्या है, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए हम देखते हैं, खास तौर पे व्यापारिक क्षेत्र में हम इसको ज्यादा देखते हैं। 7th हाउस है तो पद प्राप्ति है, पद प्राप्ति का मतलब पब्लिक इमेज है। ऑफिस के अंदर काम करने वाले भी तो पद प्राप्ति करते हैं कि अब मुझे एक अच्छी डेजिग्नेशन मिल गई, अब मैं ऑफिस के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे चला गया। ये आपके जुपिटर पे डिपेंड है कि भैया अगर बृहस्पति यहाँ शुभ है तो ही आप ऑफिस में बेटर अपॉर्चुनिटी पे जा सकते हो, अच्छे सम्मान पे जा सकते हो। अदरवाइज एक ही ऑफिस में लंबे समय तक काम करते रहोगे, बृहस्पति अच्छा है नहीं, नौकरी भले ही मिल गई है लेकिन ऑफिस के अंदर कोई बहुत बढ़िया वैल्यू नहीं है आपकी। जिनके जुपिटर अच्छे हैं वो जल्दी से आपके जीवन में आपके से बाद में नौकरी करने आते हैं और बहुत जल्दी से उनका राइज जीवन में हो जाता है। ये भी 7th हाउस के उसमें देखना चाहिए। कि 7वां घर ऐसे ही, 7वां इसमें बहुत सारी चीज़ें, विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, साझेदारी, ये सब 7th हाउस में आती हैं। तो हमें जुपिटर को सबसे पहले देखना यही है कि हम एक कागज़ पेन उठा सकते हैं, अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि हमारा जुपिटर यहाँ किस राशि में बैठा है। वो देख लीजिए मित्र की राशि में या शत्रु की राशि में, किसके साथ है या नहीं है, कौन उसको देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है या अशुभ ग्रह, क्या राहु केतु उसको देख रहे हैं, क्या राहु केतु के वो निकट है, तो इनको लिख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपका जुपिटर कैसा है, बहुत आसान तरीके से आपको पता लग सकता है। तो वो सब चीज़ें आप जहाँ से जानकर, अब इसको मैं और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि भी 7th हाउस में जुपिटर है, अगर ये स्वस्थ अवस्था में है तो ये बात आप मान लीजिए कि बृहस्पति 5 जगहों का कारक है, उन 5ों कारकों के बढ़ चढ़ के परिणाम देगा आपको। फिर ये मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को, जीवन पर्यंत सुख साधन में रहते हैं, वो कहते हैं जी हम अच्छे कुल में पैदा हुए, अच्छे परिवार में हुए, शिक्षा भी अच्छी हुई, संतान भी मिली, पैसा मिला काम करने के लिए, व्यापार करा, जीवन में आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा रहा, और जिनका पीड़ित हुआ उनको प्रॉब्लम शुरुआत से ही देखी गई। अब यहां पर बैठकर ये प्लेनेट अगर वक्री और अस्त हो जाए, मैं हमेशा से कहता हूं वक्री प्लेनेट केंद्र त्रिकोण में हो तो फिर भी अच्छा, क्योंकि वक्री का मतलब है शक्त या शक्तिशाली, सूर्य से दूर होने के कारण प्लेनेट वक्री होते हैं, यानी सूर्य से दूर होगा तो ही वक्री होगा गुरु, इसका मतलब है वक्री ग्रह शक्त है क्योंकि वह सूर्य से दूर है और प्लेनेट वक्री है। नियम यहां भी यही है, आप कहो जी नीच का वक्री हो जाता है तो क्या करेगा, भैया प्लेनेट देखिए पहले नीच का है बाद में वक्री है, पहले वो नीच अवस्था में घूम रहा है। बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहता है तो पहले तो वो नीच हुआ, फिर वो 3 महीने के लिए वक्री हुआ तो वक्री बाद में हुआ, नीच पहले हुआ, तो पहले उसके नीच का प्लेनेट अगर वक्री हो तो कह दी उच्च के फल देगा, नहीं देगा, वो कोशिश करेगा नीचता से निकल के उच्चता की तरफ जाने की, बेहतर होने की, और उसमें वक्री प्लेनेट उसको हेल्प करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्लेनेट अगर नीच का हो तो सबसे पहले देखो नीच भंग हो रहा है नहीं हो रहा, और नीच भंग करने वाला जो प्लेनेट है वो कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो वो नीच का प्लेनेट राइज कर जाएगा, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो नीच का प्लेनेट राइज नहीं करेगा, ये नियम यहां लगता है। तो गुरु सामान्य तौर पर अच्छी अवस्था में वक्री है तो बली है, कमजोर अवस्था में वक्री है तो बलि नहीं है, फिर ये अपने अच्छे फल नहीं देगा। यानी अगर वक्री है और मजबूत है तो आपको अच्छा इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी वाक शक्ति अच्छी देगा, बोलचाल अच्छी देगा आपको, आप लोगों पे इंप्रेशन जमाने में सक्षम होंगे, आप लोगों से काम निकलवाने में सक्षम होंगे, अच्छे होंगे, गुणी होंगे, ज्ञानी होंगे, आप मैनेजमेंट को संभालने वाले होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप दूरदर्शी व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति होंगे,
आप किसी भी बात को देखना, पहचानना, उसको पहले से महसूस करना, ये सब गुण आपके अंदर आते हैं। कि अगर बृहस्पति सेवन था उसमें बेहतर अवस्था में, अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त होता है तो ग्रह के कारकत्व कम होते हैं, खास तौर पे सूर्य 6-8-12 का स्वामी होकर अस्त करे तो एक जुपिटर को कमजोर कर रहा है। फिर उसके लिए जुपिटर की रेमेडी करनी पड़ेगी, सूर्य की रेमेडी करनी पड़ेगी, तब लाभ आपको यहाँ से मिलता है। हाँ, सूर्य ही 1-5-9 का मालिक होकर इसे अस्त कर रहा है, तो कब होता है ऐसा? 1-5-9 के मालिक यानी कहीं ना कहीं मंगल के, सूर्य के और गुरु के ही लग्न होते हैं, तभी वो उसको यहाँ पे अस्त कर सकता है त्रिकोणेश होके। और त्रिकोणेश हो जाएगा तो 1-5-9 का मालिक होके करेगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि त्रिकोणेश सदैव शुभ फलदायक होता है। अगर अस्त भी करेगा तो कोई समस्या नहीं है। अब बृहस्पति सेवन था उसमें अपनी राशि में, सप्तमेश सप्तम में क्या है? अब आप कहेंगे जी हंस नामक राजयोग बनता है। बिल्कुल बनता है। जब इस प्रकार के पंच महापुरुष योग बनते हैं तो उस ग्रह के कारकत्व बढ़ जाते हैं। अब बृहस्पति यहां कहां है? धनु राशि में है। यह धनु राशि काल पुरुष की 9वें नंबर की राशि है, यानी इसको कहते हैं भाग्य विधाता राशि। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता होगा। बृहस्पति के कारकत्व में तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन के लिए शुभ है। हंस राजयोग बनाता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कल्याण के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक संस्थानों से जुड़ता है, अच्छे अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ होती है, अधिकारी वर्ग के बीच उठ बैठ होती है, लोगों के बीच अच्छा मतलब एक तरीके से अपनी उठ बैठ बनाने में सक्षम है। बहुत बार ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे होते हैं, IAS बन जाते हैं, MP हो जाते हैं, MLA बन जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं या किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान के कोई बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। अगर ये बृहस्पति यहाँ स्वस्थ अवस्था में होता है, और अगर स्वस्थ अवस्था में नहीं होता है या पीड़ित होता चला जाता है, तो प्रयास तो व्यक्ति के फिर भी यही रहते हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक वहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ये दशम से दशम भी है। इसकी दोनों राशियां कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती हैं कि अगर बृहस्पति स्वस्थ है तो लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया होती है, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, लेकिन उनका बढ़िया काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यही बृहस्पति पीड़ित इसी अवस्था में हो जाता है तो हम कहते हैं कि भैया फिर इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए सप्तमेश बाधक भी होता है। बाधकेश का मतलब सीधा, अगर पीड़ित होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम देगा, पीड़ित नहीं है तो फिर आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है कि बाधकेश होने से ही कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब यहां पे बृहस्पति अगर मीन राशि में हो तो क्या होता है? अब यहां बृहस्पति चौथे से चौथा का मालिक है, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था सुख। अगर बृहस्पति स्वस्थ है तो क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का अच्छा सहयोग मिलता है। सेवन हाउस पद प्राप्ति होती है, पब्लिक इमेज होती है, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य करता है, दान धर्म की बातें करता है, भाग्य उसका अच्छा होता है, पिता पक्ष से उसे अच्छा सहयोग मिल जाता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस का कारक भी है कि अगर बृहस्पति सप्तम भाव में पीड़ित है तो आप कहीं ना कहीं पिता के साथ उसके संबंध बहुत बढ़िया नहीं देखे जाते, पिता के साथ उसके वैचारिक मतभेद देखे जाएंगे। और सेवन हाउस में बली है तो जीवन साथी बढ़िया, जीवन साथी के साथ आने के बाद जीवन अच्छा हो गया, जीवन साथी के आने के बाद जीवन में राइज करने को मिल गया, ये भी सेवन हाउस में बृहस्पति के ही फल है, क्योंकि यहाँ भी बैठकर ये हंस योग ही बनाएगा, यहाँ भी ये बाधकेश ही है क्योंकि ये दुस्वभाव लगने के लिए है, लेकिन बलि है तो डरने की जरूरत नहीं है, बाधकेश है आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये बृहस्पति यहाँ नीच का हो, मैं हमेशा कहता हूँ नीच का प्लेनेट हो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लेसमेंट देखो। सबसे पहले हमें देखा है कि बृहस्पति सेवन हाउस में नीच का भाव तो चलो अच्छा है, आप इसको मारक भी कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं सेवन हाउस मारकेश है। हाँ जी, मारक भी है, इसका एक तत्व मारक भी है, लेकिन मारकेश कब होगा? जब ये बृहस्पति बहुत पीड़ित होगा। और वो किस चीज का मारकेश होगा? वैवाहिक संबंधों का मारकेश, धन का मारकेश, संतान ना हो रही है ये भी एक मारकेश है, संतान से संबंध ठीक नहीं है ये भी एक मारकेश है, भाग्य नहीं बदल रहा है ये भी मारकेश है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है ये भी मारकेश है, सोर्स ऑफ इनकम खराब है, पैसा रुकता नहीं है ये भी एक मारकेश है। तो कब? जब वो पीड़ित हो तो वो आपके लिए मारक जैसा काम करेगा। और आप शुरुआत से ही कह लगो और कोई पंडित के पास पहुंचो न, अरे आपका सातवें घर में बृहस्पति है तो मारकेश है, पूजा करानी पड़ेगी, ये करवाना पड़ेगा, आपके दुनिया भर के पैसे लगा देगा,
हो ना कुछ नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले देखो शनि की राशि में, और ये देखो कि क्या शनि केंद्र में बैठा है, क्या शनि बलि होके बैठा हुआ है, तो क्या होगा, इसका नीच भंग हो जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ नीच भंग होने के लिए जो प्लेनेट नीच भंग करता है वो बलि होना चाहिए। अब शनि यहाँ पर नीच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच का होगा तो जज यहाँ से केंद्र स्थान में दशम में बैठ तो जाएगा, नीच भंग तो करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी नीच का हो गया, इसलिए वो प्लेनेट आपका भला नहीं कर पाएगा। इसीलिए छठे घर का मालिक सप्तम में नीच का है और पीड़ितों तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाह में विलंब परेशानियां होती हैं, कि एक तो नीच का हो गया, छठे घर का हो गया, पीड़ित भी होगा तो प्रॉब्लम देगी, भाग्य को जागृत करने में प्रॉब्लम देगी। इसलिए सबसे पहला नियम है भाई, इसको देखो अस्त नहीं होना, इस पर शुभ प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, और इसका नीच भंग राजयोग होना चाहिए, तभी होगा आपका भला, क्योंकि नीच तो मिल गया आपको। अब इस प्लेनेट का स्ट्रेंथ भी देख लो, नीच ग्रह के लिए एक और नियम है कि इसको नवमांश में देखो कि क्या ये वहां पे बलि हुआ है, क्या ये मित्र के साथ मित्र की राशियों में राजयोगों में या उच्च उच्च का हुआ है, तो ही आपके लिए कुछ अच्छा होगा। अब यही बृहस्पतियां एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, बनाएगा अब भी हंस नामक राजयोग, लेकिन देखा जाए तो ये शनि के लग्नों के लिए, तो शनि के लग्नों के लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि वो अच्छे भावों का मालिक नहीं है। लेकिन सेवंथ हाउस में उच्च का होकर बैठ गया, तो जितनी सारी चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी वो सारी चीजें ये कवर कर लेगा, अगर ये स्वस्थ अवस्था में होगा। पीड़ित में होगा तो आपको प्रॉब्लम दिलाएगा, फिर आप सिर्फ एफर्ट्स करते रह जाएंगे लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब देखा जाए 12वें घर का मालिक यहाँ उच्च का होकर बैठ गया, तो बहुत बार क्या होता है, शादी बहुत दूर स्थान से होती है, कभी कभी तो क्या है, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, काम करने के लिए विदेश चले गए, वहां कोई स्त्री या पुरुष मिल गया, उसके साथ आपकी शादी हो गई, ये भी संभव है। तो वहीं तृतीय शोके उच्च का है, तो क्या होगा, टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिलेगा, क्योंकि ये अकेला बृहस्पति 3, 7, 11 से संबंध बनाता है, क्योंकि बृहस्पति इन दोनों स्थानों पर दृष्टि देता है, तो इच्छा पूर्ति करने वाला बृहस्पति हो जाता है, कि बृहस्पति बलि है तो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, आपके मन में जो इच्छा है, जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करता है ये बृहस्पति। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां, सामान्य तौर पर सबसे पहला नियम हमारा ये है कि 7th हाउस को देखो, 7वें घर के कारकों को देखो, बृहस्पति के कारकों को देखो, उसको बैठो, उसको लिखो, उसको देखो कि मेरा जुपिटर कैसा है। अब जुपिटर के लिए हमेशा कहा गया है कि भैया इसको कहते हैं ना, बिल्कुल भी पिटा हुआ है ना तो भी ये आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका स्वभाव है, गुरु है ना, गुरु का क्या काम है, अंधकार को दूर करना, प्रॉब्लम्स को रिमूव करना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहाँ जाते हो, गुरु के पास, आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो जाओगे, अपने से बड़ों के पास जाओगे, नहीं तो भगवान से कहोगे हे प्रभु कोई रास्ता दिखाओ। अब वो कैसी भी अवस्था में है तो भी आपके लिए कुछ करने में सक्षम, अगर बृहस्पति बहुत पीड़ित है तो भी वो आपको कुछ ना कुछ देगा, और बहुत अच्छा है तो भी देगा ही देगा। अब 11th हाउस पे इसका लगातार दृष्टि है, चाहे अवस्था कोई भी है, 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम, व्यक्ति का पूरा दिमाग इसमें रहता है, कैसे पब्लिक इमेज बने, कैसे प्रतिपत्ति हो, कैसे सामाजिक कल्याण हो, और कैसे धन लगातार आता रहे, और इसके प्रयास में बृहस्पति इसको हेल्प भी करता है, यानी व्यक्ति किसी भी प्रकार से साधन जुटाने में सक्षम है, धन के आगमन में सक्षम है। अगर बृहस्पति बलि है तो उसकी दशा में प्रमोशंस होते हैं, तरक्की होती है, और बृहस्पति पीड़ित है तो प्रमोशंस होते हैं लेकिन कैसे, उम्मीद हो रही है 20% की और मिल रहा है 5%, ऐसा होता है, लेकिन मिलता जरूर है। लगन पे दृष्टि पड़ रही है यहाँ से, लगन पे तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, मान सम्मान को अच्छा रखेगा, आपको विवेक देगा, समझदारी देगा, सोचने समझने की शक्ति देगा, आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाएगा, आपको बेटर कंडीशंस देगा, आपको कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति को मैं किसी लायक बनाऊं, अनुशासन में रखूं, यह है बढ़िया बृहस्पति। और पीड़ित बृहस्पति अनुशासनहीनता देगा, मैच्योरिटी नहीं आएगी, कहेंगे इतने उम्र का हो गया लेकिन आज भी समझदार नहीं है, ये कहां से आती है, ये खराब और पीड़ित बृहस्पति से आती है, जैसा पीड़ित है वैसी दृष्टि भी काम उसकी ऐसी करेगी, यह ध्यान रखना। अब यही बृहस्पति 3rd हाउस को देखता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकता है। 3रा घर क्या है, हॉबीज का है, आपकी हॉबीज को इंक्रीज करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करेगा, मीडिया के क्षेत्र से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ,
टू ट्रैवलिंग से यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ करा सकता है, परिवर्तन करा सकता है, जीवन में कुछ सीखने सिखाने का आप काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में होते हैं, सेल्स के फील्ड में होते हैं, ऐसे काम करने में ऐसी चीज लोग सक्षम होते हैं। तो ये था आज एक ऐसा विषय कि सातवां घर जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है, इसके अंदर बृहस्पति सभी अवस्थाओं में अगर बैठ जाए तो आपको कैसा फल दे सकते हैं, ये सब कुछ विस्तार से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली लेके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जुपिटर शुभ है या अशुभ। जय श्री राम।